दोस्तों इस वीडियो में बात होगी TCS कंपनी के बारे में। दोस्तों TCS कंपनी ने भी अपने रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है, क्वार्टर टू के जो नतीजे आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि नतीजे कब आ रहे हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में TCS कंपनी के शेयर का फोरकास्ट भी देखेंगे, जानेंगे अपर मिडल और लोअर प्राइस कितने तक जा सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है आजम और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग नाउ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, TCS कंपनी BSE पर 2002 से लिस्टेड है। तब से अब तक आप देखेंगे कंपनी ने 19,252% के बेहद ही शानदार रिटर्न सबने निवेशकों को दिए हैं। कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 13.80 लाख करोड़ का मार्केट कैप है TCS का। वहीं PE रेशियो 40 के आसपास चल रहा है। दोस्तों ये कंपनी 1968 से मौजूद है और दोस्तों वहीं इस कंपनी के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के नतीजे कौन सी डेट को आ रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी के नतीजे क्वार्टर टू के 8 अक्टूबर को आ रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड नतीजे कैसे रह सकते हैं, जिसमें दोस्तों बात सबसे पहले रेवेन्यू की करें तो रेवेन्यू जो है आप देखेंगे 47.28 हज़ार करोड़ का रह सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 45.41 हज़ार करोड़ का था, यानी कि पिछले क्वार्टर से हमको इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों सितंबर 2020 में 40.14 था और अब जो रह सकता है 47.28। तो दोस्तों हमको क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर के हिसाब से भी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है इसके रेवेन्यू में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें EPS अर्निंग पर शेयर की, तो आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर 26.20 रह सकता है और जो पिछले क्वार्टर में था वो आप देख सकते हैं 24.93 था और अब जो रह सकता है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों हमको यहाँ भी बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर ईयर ऑन ईयर पर देखें तो सितंबर 2020 में 19.93 था, 19.93, और अब जो रह सकता है वो 26.20। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें तो क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर के हिसाब से भी जो नतीजे हैं TCS के वो बेहद ही शानदार आने की उम्मीदें हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फोरकास्ट के बारे में। दोस्तों आपके सामने प्राइस एस्टिमेट्स, आप देखेंगे जो अपर साइड की प्राइस हैं वो 3800 रुपये के निकल कर आ रहे हैं, यानी कि करंट प्राइस से 1.9% ऊपर। वहीं दोस्तों मिडल में 3533 के, यानी कि 5.3% नीचे, और लोअर में 2970 के, यानी कि 20% नीचे के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं 4 लोगों ने बाय रेटिंग दी है, 1 ने सेल की रेटिंग दी है और 14 लोगों ने होल्ड करने को लेकर रेटिंग दी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।